तो भाई इस 6 महीने में जो अपनी बुलेट है वो चल चुकी है 3935, 3935 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। हेलो दोस्तों, दिस सौरभ, मैं आ गया एक नया वीडियो लेके। रीज़न ये है कि भाई जो मेरी बुलेट है क्लासिक 350 PS6 स्टील ब्लैक, इसको कंप्लीट 6 महीने हो चुके हैं। तो मैं ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे और जो नेगेटिव प्रोस एंड कॉन्स, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। अगर आप इस बाइक को परचेस करने जा रहे हैं या फिर आपके पास ये जो बाइक है, ये बुलेट है, अगर आपके पास है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो कीप वॉचिंग। सबसे पहले बात करता हूँ इस 6 महीने में मैंने इस बुलेट के साथ में मेरी ऑनरशिप कैसी रही, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कि मैंने क्या क्या चीज़ें फील किया इसके साथ में, और लास्ट में जितने भी इशूज़ थे इस बुलेट के साथ में वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। तो भाई हैंडलिंग इसकी भाई माशाल्लाह है। ठीक है, इसमें मैंने ऑफ रोडिंग भी ना हाईवे राइडिंग भी करी है। ठीक है, दोनों के में मुझे मतलब ऐसा कुछ कोई डिफ़िकल्टी मुझे महसूस नहीं हुई। ठीक, नॉर्मली आप फर्स्ट टाइम अगर बुलेट परचेस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका जो भाई वेट है वो 194 का वेट है इसका। ठीक है, तो आपको हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जब आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले भाई 10 किलो फिर 20 किलो फिर 30 किलो फिर 50 किलो उठाते हैं, तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इस बुलेट को चलाते रहेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो आपको जो इसका 200 किलो का वेट है, इसकी जो हैंडलिंग है वो एकदम नॉर्मल मक्खन जैसी लगेगी बाद में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो ये बुलेट है ये मेरी सेकंड बुलेट है। मैंने फर्स्ट बुलेट को मैंने वापस करवा दिया था। ठीक है, उसमें जो गैस लीक के इशू आ रहे थे उस वजह से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई, ये जो बुलेट है इसमें भी मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी। आप लोगों को दिख रहा होगा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर ये गैस लीक हो रही है अभी भी इस बाइक में, इस बुलेट में। तो जो पहले वाली बुलेट थी उसमें यह जो सेंसर दिया हुआ है, यहाँ से भी जो गैस थी वो लीक हो रही थी। इस वजह से मैंने उसको रिटर्न करवाया और दूसरी लिया। ठीक है, तो अब भाई जो प्रॉब्लम है, मैंने कई बार सर्विस सेंटर लेके गया है, तो उसका जो रीज़न मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई जितनी BS6 बाइक है, मतलब बुलेट क्लासिक 350 या फिर स्टैंडर्ड, वो ये प्रॉब्लम कॉमन है सब में। ठीक है, अगर वो मेजर है आप लोगों के साथ में तो हाँ भाई, पर्टिकुलर आप जाइए अपने बुलेट को लेकर शोरूम या सर्विस सेंटर पे और वहाँ पर कंप्लेंट करिए। अगर आपकी बुलेट वारंटी पे है तो बिल्कुल वहाँ पर आपको हेल्प करी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों इसे सेटिंग अपार्ट की। सेटिंग में मतलब क्या है सेटिंग भाई, एक राइडर के लिए एक पिलियन के लिए दो चीज़ होती है, दोनों के लिए बता दे। तो भाई इसके लिए तो भाई देखिए, कुशन तो भाई बढ़िया यूज़ किया, स्प्रिंग भी यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। लेकिन भाई पीछे बैठने वाला भाई जो बैठेगा ना, उसी को समझ में आएगा। लॉन्ग राइड पर ले जाओगे ना आप इसको, तो ये वाला समझ लो कि एक दिन के लिए तो बिस्तर पर सोएगा। ठीक है, बाकी लोग आप लोग समझ जाओ, समझदार हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ जो मैंने एक इशू फेस किया था इसके माल फंक्शनिंग लाइट के साथ में, वो ये कि भाई कंटिन्यूसली वो जल रही थी। जैसे कि आप लोग को मालूम है, जब आप इस बुलेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी ये गियर पे, ठीक है, देखिए ये अभी जल रही है, लेकिन जैसे ही आपकी बुलेट स्टार्ट होती है तो ये बंद हो जाती है। लेकिन अगर कुछ आपके बाइक में प्रॉब्लम हो, आपकी बुलेट में प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूसली जलती रहती है। मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी और मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला था, और यूट्यूब पे भाई माल फंक्शनिंग लाइट के ऊपर में फर्स्ट वीडियो आपके भाई का ही है। ठीक, आप उस पर जाके देख सकते हैं माल फंक्शनिंग लाइट, अगर आपकी बुलेट में कंटिन्यूसली जल रही है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप खुद। ठीक है, मैंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका है। तो अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम मेरे वीडियो देखने के बाद में अगर भी सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सर्विस सेंटर जाइए, और हो गई तो भाई उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, आपका टाइम बचेगा और आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, तो माल फंक्शनिंग लाइट की जो इशू था वो मेरे साथ मैंने फेस किया है, 2 से 3 बार फेस किया, 4 बार फेस किया, लेकिन उसको सॉल्यूशन मैंने खुद ढूंढा है, वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ उसको दोस्तों मीटर कंसोल की, तो भाई मीटर कंसोल में मैं बात करूँ जो मैंने फेस करी वो ये भाई, अभी तक के मतलब जब मैं 3000 किलोमीटर तक के इस बुलेट को चला चुका था, तब तक तो मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी थी। लेकिन हाँ, उसके बाद में जो ये है ना मीटर इंडिकेटर, जो स्पीड इंडिकेटर ये दिया हुआ है, ये सुई बोला जाए या फिर इसको काटा बोला जाए, ये जाके 40-50-60 में ऐसा 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 हिलता है, मतलब एक स्टेबल नहीं है भाई। ये हो सकता है इतनी वाइब्रेट होती है जो गाड़ी है ये बुलेट, उस वजह से हो। अब कॉमन इशू है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ फेस करी है इस चीज़ में 6 महीने के अंदर में, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा तो भाई प्लीज़ मुझे बताओ और मेरे दुख में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट बात करूँ इसके दोस्तों लुक, डिज़ाइन, कलर, भाई इसके लिए क्या कहना, मतलब आप लोग के सामने रखी हुई ये देख लो, और आप लोगों ने देखा होगा तो भाई माशाल्लाह, मतलब ऐसा ही नहीं है, मतलब 2.5 लाख का जो घोड़ा ना
पैसा वसूल है भाई। देखो मैं सब इसके पहले स्पोर्ट बाइक ही चलाता था, CVR, पल्सर और करिश्मा, लेकिन ये था कि क्रूजर बाइक बुलेट मैंने ली, तो मुझे तो ये मालूम था भाई कि 100 की स्पीड छूना मतलब बहुत टेढ़ी गिरती। लेकिन इसका जो लुक है, और मैं आपको बता दूं भाई मैंने ये बुलेट ली क्यों, ये बोला क्यों, साउंड और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एकदम दमदार भारी वाली, वही रीजन से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो लुक है 100 out of 100। नेक्स्ट बात करो इसके दोस्तों स्टॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन के बारे में, तो जैसे कि आपको मालूम है सामने टेलीस्कोपिक शॉकर दिया हुआ है, पीछे गैस चार्ज शॉकर दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि मैंने इसके पहले स्पोर्टी बाइक चलाई है, तो उसके जो शॉकर रहते थे भाई बहुत सॉफ्ट रहते थे कंपेयर टू दिस बाइक। हाँ आप लोग और मैं भी इसको कंसिडर नहीं करता क्योंकि भाई ये देसी बाइक है, ठीक है ना, बुलेट देसी, सॉरी बाइक नहीं बोलना भाई, कमेंट वाले ने मेरे को एक कमेंट लिख के बोला भाई इसको बुलेट ही बोलना बाइक नहीं बोलना, तब से मैं बुलेट ही बोलता हूँ, धोखे से निकल जाता है उसके लिए, सॉरी बाइक नहीं बोलने का बुलेट बोलने का इसको, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे जो गड्ढे हैं ना वो तो आपको फील नहीं होंगे, लेकिन हाँ तो थोड़ा बहुत जर्क महसूस हो सकता कंपेयर टू अदर बाइक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करो दोस्तों इसके ब्रेकिंग की, तो भाई ब्रेकिंग के लिए माशाल्लाह मैं 100 out of 100 देना चाहूँगा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बुलेट से, क्योंकि अदर बाइक्स मैंने जो चलाई है भाई, मैं जो डबल डिस्क होते थे और ABS सारी चीज़, बिना ABS वाली बाइक भी चलाई है, बाइक कंट्रोलिंग तो अपने हाथ में, मैं तो अब ऐसा तो नहीं भाई प्रो हूँ इतना कह सकता हूँ बाइक चलाने में तो ये जो है अब ABS के साथ आती है, ड्यूल ABS के साथ में, डबल डिस्क के साथ में आती है, तो भाई जो पुरानी बुलेट BS3 की बात कर रहा हूँ, BS4 की बात नहीं कर रहा हूँ, BS4 में भी डबल डिस्क आ चुके थे, तो इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है भाई मतलब जगह पे रुकती है भाई मेरे से, तो आप लोग का क्या कहना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको चलाया है 60, 70, 80, 100, 130 तक भगाया है, और अगर मैं कंट्रोल करूँ तो भाई ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती ब्रेक लगने के लिए, ठीक है, तो 90 out of 100। ब्रेकिंग के बाद अगर मैं बात करूँ इसकी कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग भाई ये तो आप लोग के ऊपर है कि आपको कैसी जमती है ये जो बुलेट है वो, शुरू में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो अगर आप पहली बार बुलेट चला रहे हो, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाओगे तो इसकी जो कंट्रोलिंग है भाई, क्या शुरू में मतलब फर्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई थी बुलेट मतलब इतना नहीं चलाया था तुम्हारे भाई ने, लेकिन हाँ 6 महीने का ऑनरशिप हो गया ना, हमारा भाई प्रो बन चुका है, तो ये भाई अगर हाईवे की बात करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑफ रोडिंग भी करता हूँ मैं इस बुलेट से, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से आधे किलोमीटर का जो एरिया है वो ऑफ रोडिंग है पूरा, ठीक है ना, तो होती है ऑफ रोडिंग, तो कंट्रोलिंग आपके ऊपर है आप कैसे कंट्रोल करते हैं। हाँ इसके बारे में अगर मैं जो बोल रहा था ब्रेकिंग और गियर वेयर ये वो, ठीक है क्लच, अगर इसका सही नॉलेज है तो आप कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने के बाद में भाई इसका 200 किलो का जो वेट है ना वो 20 किलो लगता है। नेक्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी दोस्तों इस बुलेट में वो ये थी भाई, मिसिंग की प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है, तो मिसिंग की प्रॉब्लम इस तरीके से थी कि पहली सर्विस जब इस बुलेट की मैंने करवाया था, ठीक है, फर्स्ट सर्विस तक के तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सर्विस ये जो प्रॉब्लम थी वो एकदम ही ना के बराबर है मेरे साथ में। जब ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, मैंने सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो इसका जो स्पार्क प्लग है उसमें जो कार्बन है उस कार्बन के जमने से ही ये मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोग के साथ में ये हुआ हो और कंटिन्यूसली ये हो रहा हो तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने बुलेट को लेकर सीधे सर्विस सेंटर जाइए और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराइए अपनी, भाई मेरे बुलेट के साथ में ये चीज़ हो रही है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट इशू जो मैंने फेस किया था वो था इसका ओवरहीटिंग की, ठीक है, ओवरहीटिंग मींस जब आप न्यू बुलेट परचेस कर रहे हो तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि भाई ये लिक्विड कूल इंजन तो है नहीं, एयर कूल्ड है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोग पता होगा जो रनिंग पीरियड होता है किसी भी बुलेट या किसी बाइक का, उस टाइम पे ये होता है कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं अंदर के, ठीक है, इंजन के अंदर के, वो आपस में फ्रिक्शन होता है और मेटल पार्ट्स जो वियर इंटीरियर की जो प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें होती है, उस वजह से ही इसमें ओवरहीटिंग होती है, तो उस पर कोई डरने वाली कोई बात नहीं, आफ्टर फर्स्ट से सेकंड सर्विस बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ भाई इसमें जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया था वो मॉडिफिकेशन था इसका सीट कवर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सीट कवर था, उसके बाद में भाई एक छोटा सा स्मॉल मॉडिफिकेशन अपने महाकाल के भक्त अपन वो ये, और ये लेग गार्ड, इंजन गार्ड, ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ परचेस करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद मैंने 2000 किलोमीटर पे इसका जो स्टॉक साइलेंसर है वो चेंज करवाया था मैंने, चेन दूरी लगवाया था मैंने ये साइलेंसर, ठीक है, इस पर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है चेंज मतलब कैसे चेंज करवाया था और
इस साइलेंसर के साउंड के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ, ये जो स्टील ब्लैक मैट कलर में आती है भाई, मैट ब्लैक पूरा, इसको मेंटेन करना भाई बहुत हार्ड है। मतलब आपको ऐसा है कि भाई आप मत नहाओ रोज, लेकिन इसको सुबह उठ के सबसे पहले पोछो, क्योंकि भाई अगर आप इसको क्लीन भी करोगे ना विद इन 20-30 मिनट्स बाद, मतलब ऐसा है कि इसमें इतनी डस्ट जम जाती है कि भाई जिसके पास होगा ना वो बिल्कुल समझ सकता है, इतना सेंसिटिव कलर है। और दूसरी चीज, मैंने इसके ऊपर एक वॉश और केयर का जो वीडियो बना के रखा हुआ है, वॉशिंग केयर का, और आपको इस जो मैट कलर है वो कैसे आपको मैट प्रोटेक्ट करना है आपको दूसरी चीजों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो दूसरे यूट्यूबर्स है वो ये बताते भाई कि आली पॉलिश लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो इनके ऊपर। मैंने एक डीप वीडियो बनाया, ठीक है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको इसका जो मैट कलर है वो कैसे मेंटेन करना है कि ताकि जो आपका मैट कलर है वो शाइन में कन्वर्ट ना हो। मेरी जो बुलेट है उसको 6 महीना हो चुका है, इसका जो मैट फिनिश है वो आज भी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक के इसमें कोई शैम्पू, कोई साबुन, कोई सोडा, जो भी वैक्स और जो भी क्रीम्स जो आप लोग लगाते, पता नहीं क्या क्या लगाते भाई पोते यूट्यूबर्स का देख देख के, वो कुछ भी मैं यूज नहीं करता, नॉर्मल पानी से वॉश करता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यार दोस्तों, एक इशू बोला जाए, क्या बोला जाए पता नहीं, मुझे तो भाई बहुत बेकार लगता है, वो इस क्लासिक 350 में हुआ है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ओनली 153 mm, उससे परेशानी ये हुई है कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जब आप इंडियन रोड्स में, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ब्रेकर्स लगे हुए हैं ऐसे रोड के बीच में, क्या होता है जब आप अपनी बुलेट को चलाते हैं और साथ में अगर ब्रेक मार रहे हैं, जैसे ही आप ब्रेकर के ऊपर से निकल रहे, तो जो आपका जो ब्रेक है वो उस ब्रेकर से टकराने के चांसेस 90% रहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई बहुत ही कम, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मेरे साथ क्या इशू हुआ था। तो ये हुआ था कि भाई इसका जो ये ब्रेक है, यहाँ देख लो, आपको यहाँ पर निशान लगे होंगे, देखो ये ब्रेकर से पूरा टकराता है कई बार, मेरे साथ 2-3 बार हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन अब मैं यूज़ हो गया हूँ तो मैं भाई बहुत सेफ्टी तरीके से निकालता हूँ ब्रेकर से, बहुत ही सेफ्टी तरीके से। और इस साइड मेरे साथ में हुआ था, जब मैं इस बुलेट को टिल्ट कर रहा था तो इस साइड का एरिया भी ब्रेकर से या फिर साइड टर्न करते तो कुछ पत्थर वत्थर आ जाते, तो यहाँ भी टकराने के चांसेस रहते क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो भाई मुझे ये बहुत बेकार चीज़ लगती है इस बुलेट में, केवल एक ही चीज़ है वो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो चीज़। दोस्तों नेक्स्ट इशू जो मैंने फेस किया था वो ये कि देखो, आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे यहाँ पर साइट है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी साइट, ठीक है, यहाँ पर ही मैं विजिट करने आया था, मेरे काम चलते हैं यहाँ पर। तो कहानी ये हुई थी कि मेरे से क्या हुआ था धोखे से, इसकी जो की है ये ऑन रह गई थी, और इसकी जो हेडलैम्प है ये देख रहे हो आप, और पार्किंग लाइट ये सब चालू रह गई थी। तो उससे क्या हुआ था, इसकी जो बैटरी है वो डाउन हो गई थी, ठीक है। अब उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहानी ये हुई कि भाई किक से ये बुलेट जो है वो स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कम से कम आधा एक घंटा हो गया, आधे घंटे तक के मैं ट्राई करते रहा कि भाई अब स्टार्ट होगा सेल्फ, अब स्टार्ट होगा, बैटरी डाउन होगी, मैं तो समझ चुका था। लेकिन हुआ ये कि मैं तो आखिरी तो ये सोच चुका था कि मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मैं 15-20 किलोमीटर तक के राइड किया, उसके बाद अपनी बुलेट को आधे घंटे तक के स्टार्ट करके छोड़ा। इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ मैं, जो मेरी बैटरी थी, मतलब मेरी नहीं सॉरी, तो जो मेरी बुलेट की बैटरी थी वो उस वजह से चार्ज हो चुकी थी, और जो मेरी प्रॉब्लम थी बैटरी की सेल्फ की, मतलब सेल्फ नहीं ले रही थी, किक से स्टार्ट करना पड़ रहा था, वो सॉल्व हो चुकी। तो इस 6 महीने में इस क्लासिक 350 मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, वो ये थी, वो शुरुआत में ही थी, मतलब 6 महीने क्या, जैसे ही मैंने बाइक परचेस करी थी ये बुलेट, तो उस टाइम ये हुआ था कि जो शॉकअप है ये यहाँ देख रहे होंगे आप, ये पूरा घिस चुका है, ये दोनों आपस में टकरा रहे थे, मडघाट और ये शॉकअप, ठीक है, इससे किचकिच की आवाज़ आ रही थी। मैं तुरंत गया था, फिर देखा कि भाई कहानी तो ऐसी होगी, और वहाँ से पूरा पेंट भी निकल गया, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में मैंने फ्रंट डिस्क ब्रेक में एक प्रॉब्लम फेस करी थी, अब वो प्रॉब्लम सेम वही प्रॉब्लम थी कि इसके जब ब्रेक लग रहे थे तो उससे आवाज़ आ रही थी, ठीक है। और ये अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुआ है, मैं गया था सर्विस सेंटर, उन लोगों ने क्या किया कि पूरा मतलब खोला सामने का जो चका था, उसके बाद जब उन्होंने देखा जो डिस्प्लेट था वो पूरा चिकना हो चुका था, ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उन लोगों ने उसको फिर रफ किया और फिर वापस फिट कर दिया, तो अभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, डिस्प्लेट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो मैंने फेस किया है वो आप लोगों ने भी फेस किया होगा, अगर आपके पास में BS6 क्लासिक 350 स्टैंडर्ड होगी तो ये भाई कॉमन है, जो इसकी जो लाइट है ना ये वाली, देखो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप कितने बल्ब चेंज करवा लो, ठीक है, ये देखिए इसमें जो ये देखिए ये जल रहा है, ये ऑफ हो गया है, मतलब ये इतने बार फ्यूज़ होता है कि आप कितने बार चेंज करवा लें, मतलब आप तो भाई एक्सेस में लेके रखिए इसको घर पे और खुद ही चेंज कर लीजिए,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो भाई पता नहीं आ रही कब सॉल्व करेगा ये, शायद हो सकता हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट जो फ्लो होता है बैटरी से उस वजह से हो। प्रॉब्लम तो भाई आरी वाले ही जान सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी भाई लोग निकालेंगे। ज़्यादा महंगे नहीं आते वो, जो बल्ब LED लगाइए आप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से लीजिए, खुद लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक इशू ये था मेरे साथ में, और बहुत सारे कमेंट आ भी रहते कि ये इशू उन लोग के साथ भी है, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, उन लोग के साथ भी, तो मैंने ही फेस किया। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इसके वाइब्रेशन की, भाई वाइब्रेशन के लिए क्या कहना, मतलब आरी का अगर नाम लो, क्लासिक 350 का नाम लो, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कमेंट में बताओ, वाइब्रेशन। तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, जो करना वो आरी करेगी। हाँ, लेकिन BS4 के कंपेयर करें BS6 से, इस बुलेट से, तो भाई थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कम हुआ है, लेकिन भाई वाइब्रेशन तो इसका एक पर्टिकुलर शाइन बन चुका है, लोग फिर भी इसको पसंद करते हैं, मुझे भी इससे प्यार है बहुत ज्यादा। तो भाई वाइब्रेशन को निगलेक्ट करो और अपनी राइड 80 के बाद अगर आप राइड कर रहे हैं, मतलब 80 के ऊपर 90, 100, 120 तक के जा रहे हैं, तो जो भाई आपको वाइब्रेशन है, मतलब क्या कहा जाए, ये जो बुलेट है ना भाई, ये तड़पती, मतलब ऐसी तड़ता तड़ता तुम्हारे हाथ वात पैर वैर से पुरजे पुरजे हिलेंगे, मतलब आपकी बॉडी के, इसके नहीं, इसके तो हिलते ही है, तो आप वहाँ फील करोगे। लेकिन नॉर्मली आप 60-70 की स्पीड में चल रहे हो, तो आपको वाइब्रेशन इतने फील नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था मेरे तरफ से जो ऑनरशिप रिव्यू था, उस तरीके से जो मैंने फील किया वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इससे गियर शिफ्टिंग की, तो भाई गियर शिफ्टिंग के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मॉर्निंग में पहली बार जब मैं बाइक निकालता हूँ, मतलब ये बुलेट निकालता हूँ घर से, जो इसका फर्स्ट गियर है उसको लगाने पर एक अजीब सा मधुर साउंड आता है, कट से बिल्कुल, है कि नहीं, वो साउंड आता है। उसके बाद में जब फिर दिन भर अगर चलाऊंगा, तो आपको ऐसा कोई गियर शिफ्टिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद में थोड़ा बहुत और अंतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने समझा। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों माइलेज की, माइलेज मतलब अपन लोग इंडियंस हैं, ठीक है ना, माइलेज को सबसे पहले देखते हैं भाई, बुलेट हो कोई भी हो, लेकिन बुलेट चलाने वाले माइलेज को नहीं देखते। लेकिन हाँ, हम बुलेट चलाने वाले भाई जिसके पास भी हो, वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। आपको मालूम है 100 क्रॉस हो गया है पेट्रोल, 100 रुपये का तेल तो भाई ये केवल ब्रश करती है उससे, मालूम है 100 रुपये के तेल से 4 लीटर ऊपर रखना ही रखना है, आप लोग को मालूम है भाई FI इंजन है, तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मोदी जी। आप रेट बढ़ाते चलिए, हम अपनी बुलेट चलाते चलेंगे। तो माइलेज के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना चुका है, स्टॉक जो साइलेंसर उसके साथ में, फर्स्ट सर्विस के बाद में, और मुझे जो माइलेज इसका सिटी में मिल रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो 32-35 है, और हाईवे में 40 तक दे देती है नॉर्मल स्पीड से चलो तो, और फिर भगाओ तो तुमको तो मालूम है भाई, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बात करूं मैं इसके हैंडल लॉक की, हैंडल लॉक जैसा कि आपको मालूम है भाई सारी बाइक्स में यहाँ पर दिया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन भाई ये रेट्रो लुक और रेट्रो डिजाइन आरी ने बना के रखा हुआ, तो उस तरीके से भाई यहाँ साइड में दिया हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं बट होती है। नेक्स्ट दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा लगा क्लासिक 350 BS6 स्टील ब्रेक में, वो ये कि अगर मेरी जो बुलेट है वो गियर पे है वो, और इसका साइड स्टैंड लगा हुआ है, भाई स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, जिससे कि जो दुर्घटना है ना उससे बचा जा सकता है। आजकल तो सारी बाइक में ये सेंसर लगा हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये बुलेट है तो आप लोग समझ सकते हैं, स्टैंड लगा हुआ है तो बिल्कुल चालू नहीं होगी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इसके सर्विसिंग की, तो मैंने अभी तक के इस बुलेट की फर्स्ट सर्विस करवाई है 500 किलोमीटर पे, और उसका भी एक वीडियो बन चुका है, डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उस पर भी जो मुझे कॉस्ट आई थी आई थिंक 700-800 बस, ठीक है ना, मतलब मिनिमल कॉस्ट है इसका, फ्री सर्विस चल रही, फ्री मतलब कहने को है, बाकी पैसा देना पड़ता है आपको ऑयल की। सेकेंड सर्विस में अभी इसको, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है चारों तरफ में, और हमारे शहर में भी, आप लोग के शहर में पता नहीं क्या है, तो वो थोड़ा सा हट जाए, उसके बाद मैं इसकी सेकंड सर्विसिंग कराऊंगा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, 5,000 तो नहीं चली कंप्लीट, अभी 4,000 के ऑलमोस्ट चल चुकी है, तो 6 महीने के हिसाब से भाई सेकंड सर्विस आ चुकी है, तो मैं सेकंड सर्विस जाके कराऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं, कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ मैं, ये मैंने भाई अभी BS6 क्यों ली, तो भाई दिक्कत ये थी कि अभी तक ये अलॉय और ट्यूबलेस टायर दोनों नहीं आती थी, पता है अगर ये जो बुलेट है ना 200 किलो की अगर पंचर हो जाए ना, इसके पास में BS3 और BS4 रहे होंगे, वो चीज़ समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई पंचर वाले को उठा के लेके आओ आपके बुलेट तक के, वो पंचर बनाएगा, और या तो फिर ढकेलते हुए लेके जाओ इस 200 किलो के हाथी को, दो चीज़ होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, आप लोग को देख रहा होगा कि भाई एक तो ट्यूबलेस टायर, ऊपर से लाइबल लुक भी माशाल्लाह, यही रीज़न था कि भाई मैंने ये लिया। तो भाई इसको एक सेफ्टी फीचर्स भी ले सकते हैं कि आप जैसे कहीं पर जंगल एरिया में जा रहे हो या फिर किसी सुनसान एरिया में जा रहे हो, अगर आपकी जो बुलेट है वो पंचर हो जाए तो आप पंचर होने के बाद भी घर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि भाई ट्यूबलेस टायर है। तो भाइयों कुछ ऐसी थी रिलेशनशिप मेरी और क्लासिक 350 की 6 महीने की, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।